चैप्टर थर्टीन वहाँ मैं एक बार फिर टूट गया जो बुरा था और मेरे ट्रेडिंग में मृत गलत था जो एक साइड से भी बदतर था मैं बीमार था घबराया हुआ था परेशान था और शांति से रीजन करने में अनेबल था यानी मैं उस दिमाग के फ्रेम में था जिसमें कोई स्पेक्यूलेटर नहीं होना चाहिए जब वो ट्रेडिंग कर रहा हो मेरे साथ सब कुछ गलत हो गया दरअसल मुझे लगने लगा था कि मैं अपने डिपार्टेड प्रोपोर्शन को ठीक नहीं कर सकता एक बड़ी लाइन को स्विंग करने के आदि होने के कारण स्टॉक के एक लाख से अधिक शेयरों में मुझे डर था कि मैं छोटे तरीके से अच्छा जजमेंट ट्रेडिंग नहीं दिखाऊंगा यह शायद ही सही होने के लायक लग रहा था जब आपने स्टॉक के सौ शेयर ले लिए थे बड़ी लाइन पर बड़ा मुनाफा लेने की आदत के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मुझे पता होगा कि छोटी लाइन पर कब अपना मुनाफा लेना है मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता कि मैं कितना वेपनलेस महसूस कर रहा था फिर से टूट गया और ऑफेंसिव को सख्ती से संभालने में अनकेपबल रहा कर्ज में और गलत सफलताओं के उन सभी लंबे वर्षों के बाद गलतियों से प्रभावित होकर जो वास्तव में बड़ी सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती थी अब मैं बकेट की दुकानों में शुरू होने से भी बदतर थी मैंने स्टॉक सट्टा के खेल के बारे में बहुत कुछ सीखा था लेकिन मैंने ह्यूमन वीकनेसेस के खेल के बारे में इतना कुछ नहीं सीखा था कोई दिमाग इतना मशीनी नहीं है कि आप हर समय समान एफिशिएंसी के साथ कार्य करने के लिए उस पर निर्भर रह सकें मुझे अब पता चला कि मैं हर समय पुरुषों और दुर्भाग्य से समान रूप से अनएफेक्टेड रहने के लिए खुद पर भरोसा नहीं कर सकता पैसों के नुकसान ने मुझे कभी जरा भी चिंतित नहीं किया लेकिन अन्य मुसीबतें कर सकती थीं और कर सकती थीं। मैंने अपनी डिजास्टर का विस्तार से स्टडी किया और निश्चित रूप से यह देखने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि मैं कहाँ मूर्ख था मैंने सटीक समय और स्थान देखा एक आदमी को खुद को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि क्या वह सट्टा बाजारों में ट्रेडिंग से अच्छा काम करने जा रहा है यह जानने के लिए कि मैं मूर्खता की लाइन में क्या करने में सक्षम था एक लंबा एजुकेशनल कदम था मैं कभी कभी सोचता हूँ कि स्पेक्यूलेटर के लिए कोई कीमत इतनी अधिक नहीं है कि वो यह सीख सके कि जो उसे बड़े हुए सिर से बचाए रखे ब्रिलियंट पुरुषों द्वारा किए गए ढेर सारे स्मैश सीधे तौर पर बड़े हुए सिर पर सभी के लिए एक महंगी बीमारी का पता लगा सकते हैं लेकिन विशेष रूप से वॉल स्ट्रीट में एक स्पेक्यूलेटर के लिए मैं न्यूयॉर्क में खुश नहीं था जैसा मैंने किया था वैसा महसूस कर रहा था मैं ट्रेड नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अच्छी ट्रेडिंग ट्रिम में नहीं था मैंने दूर जाने और कहीं और हिस्सेदारी तलाशने का फ़ैसला किया मैंने सोचा कि सीन का परिवर्तन मुझे खुद को फिर से खोजने में मदद कर सकता है इसलिए एक बार फिर मैंने स्पेक्युलेशन के खेल से पीटा न्यूयॉर्क छोड़ दिया मैं टूटने से भी बदतर था क्योंकि मेरे पास वेरियस ब्रोकर्स के बीच फैले एक लाख डॉलर से अधिक का बकाया था मैं शिकागो गया और वहाँ एक हिस्सेदारी मिली यह एक बहुत बड़ा दाव नहीं था लेकिन इसका मतलब केवल इतना था कि मुझे अपना भाग्य वापस जीतने के लिए थोड़ा और समय चाहिए जिस घर से मैंने कभी बिजनेस किया था उसे एक ट्रेडर के रूप में मेरी क्षमता पर विश्वास था और वे मुझे अपने ऑफिस में एक छोटे से ट्रेड करने की अनुमति देकर इसे साबित करने के लिए तैयार थे मैंने बहुत रूढ़ीवादी तरीके से शुरुआत की मुझे नहीं पता कि अगर मैं वहाँ रहता तो मेरा प्रदर्शन कैसा होता लेकिन मेरे करियर के सबसे रिमार्केबल एक्सपीरियंसेस में से एक ने शिकागो में मेरे प्रवास को कम कर दिया यह लगभग इनक्रेडिबल कहानी है एक दिन मेरे पास लूसियस टकर का टेलीग्राम आया मैं उसे तब जानता था जब वो एक स्टॉक एक्सचेंज फर्म का ऑफिस मैनेजर था जिसे मैंने कभी कभी कुछ बिजनेस दिया था लेकिन मैंने उसका ट्रैक खो दिया था टेलीग्राम पड़ा एक बार न्यूयॉर्क आ जाओ एल टकर मैं जानता था कि वो आपसी दोस्तों से जानता था कि मैं कैसे तय किया गया था और इसलिए यह फिक्स्ड था कि उसकी स्लीव में कुछ था उसी समय मेरे पास न्यूयॉर्क की अननेसेसरी ट्रिप पर फेंकने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए उसने मुझसे जो करने के लिए कहा उसे करने के बजाय मैंने उसे लंबी दूरी तय की मुझे तुम्हारा टेलीग्राम मिल गया मैंने कहा इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क में एक बड़ा बैंकर आपको देखना चाहता है उसने जवाब दिया यह कौन है मैंने पूछा मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह कौन हो सकता है मैं आपको बताऊंगा जब आप न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं आप कहते हैं कि वो मुझे देखना चाहता है वो करता है वॉट अबाउट वो आपको बताएगा कि व्यक्तिगत रूप से यदि आप उसे मौका देते हैं लुसियस ने कहा क्या आप मुझे नहीं लिख सकते नहीं फिर मुझे और स्पष्ट रूप से बताओ मैंने कहा मैं नहीं चाहता यहाँ देखो लुसियस मैंने कहा बस मुझे इतना बताओ क्या यह एक मूर्ख यात्रा है बिल्कुल नहीं आने में ही तुम्हारा भला होगा क्या आप मुझे एक आभास नहीं दे सकते नहीं उन्होंने कहा यह उसके लिए उचित नहीं होगा और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे लिए कितना करना चाहता है लेकिन मेरी सलाह ले लो आओ और जल्दी आओ क्या आप सुनिश्चित हैं कि वो मैं ही हूँ जिसे वो देखना चाहता है कोई और नहीं लेकिन आप करेंगे बेहतर है मैं आपको बताता हूँ मुझे टेलीग्राफ करें कि आप कौन सी ट्रेन लेते हैं और मैं आपसे स्टेशन पर मिलूंगा बहुत अच्छा मैंने कहा और रख दिया मुझे इतना मिस्टरी पसंद नहीं था लेकिन मुझे पता था कि लूसियस फ्रेंडली था और उसके पास जिस तरह से बात करने का एक अच्छा कारण होना चाहिए मैं शिकागो में इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर रहा था कि इसे छोड़ने के लिए मेरा दिल टूट जाए जिस दर पर मैं ट्रेडिंग कर रहा था उससे पहले मुझे पुराने पैमाने पर काम करने के लिए पर्याप्त पैसा मिल सकता था मैं वापस न्यूयॉर्क आ गया न जाने क्या होगा वास्तव में यात्रा के दौरान एक से अधिक बार मुझे डर था कि कुछ भी नहीं होगा और मैं अपना रेल किराया और अपना समय समाप्त कर दूंगा मैं अनुमान नहीं लगा सकता था कि मुझे अपने पूरे जीवन का सबसे क्यूरियस एक्सपीरियंस होने वाला था लुसियस मुझसे स्टेशन पर मिले और मुझे यह बताने में कोई समय बर्बाद नहीं किया कि उन्होंने विलियमसन एंड ब्राउन के वेल नोन स्टॉक एक्सचेंज हाउस के श्री डेनियल विलियमसन के अर्जेंट रिक्वेस्ट पर मुझे भेजा था श्री विलियमसन ने लुसियस से मुझे यह बताने के लिए कहा कि उनके पास एक बिजनेस प्रस्ताव है जो उन्हें यकीन है कि मैं इसे स्वीकार करूंगा क्योंकि यह मेरे लिए बहुत लाभदायक होगा लूसियस ने शपथ ली कि वो नहीं जानता कि प्रस्ताव क्या है फर्म का कैरेक्टर इस बात की गारंटी थी कि मुझसे कुछ भी इम्प्रॉपर नहीं मांगा जाएगा डैन विलियमसन फर्म के सीनियर मेंबर थे जिसकी स्थापना बट विलियमसन ने सत्तर के दशक में की थी कोई ब्राउन नहीं था और वर्षों से फर्म में नहीं था डैन के पिता के समय में यह घर बहुत प्रमुख था और डैन को काफी संपत्ति विरासत में मिली थी और वो बहुत अधिक बाहरी बिजनेस के बाद नहीं गया था उनके पास एक ग्राहक था जो सौ एवरेज ग्राहकों के लायक था और वो विलियमसन के ब्रदर इन लॉ एलविन माकवान थे जो एक दर्जन बैंकों और ट्रस्ट कंपनियों में डायरेक्टर होने के अलावा महान चेसा पीक और अटलांटिक रेलरोड सिस्टम के प्रेसिडेंट थे वो जेम्स जे हिल के बाद रेल की दुनिया में सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी थे और फोर्ड डॉसन गिरोह के रूप में जाने वाली शक्तिशाली बैंकिंग मंडली के स्पोक्समैन और प्रमुख सदस्य थे उसकी कीमत 50 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर तक थी ये अनुमान स्पीकर के लिवर की स्टेट पर निर्भर करता है जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें पता चला कि उनकी कीमत 250 मिलियन डॉलर है जो सभी वॉल स्ट्रीट में बने हैं तो आप देखिए वो कोई ग्राहक था लुसियस ने मुझे बताया कि उसने विलियमसन और ब्राउन के साथ एक पद स्वीकार किया था जो उसके लिए बनाया गया था उन्हें एक तरह का सर्कुलेटिंग जनरल बिजनेस कैटर माना जाता था फर्म एक सामान्य कमीशन बिजनेस के बाद थी और लुसियस ने श्री विलियमसन को कुछ ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए प्रेरित किया था एक शहर के बड़े होटलों में से एक में और दूसरा शिकागो में मैं बल्कि यह समझ गया कि मुझे बाद के स्थान पर एक पद की पेशकश की जा रही है पॉसिबली ऑफिस मैनेजर के रूप में जो कुछ ऐसा था जिसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं लुसियस पर नहीं कूदा क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे पहले कि मैं इसे अस्वीकार करने से पहले प्रस्ताव दिया गया था तब तक मैं बेहतर इंतजार करूंगा। लूसियस मुझे श्री विलियमसन के निजी ऑफिस में ले गया मुझे अपने चीफ से मिलवाया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया जैसे कि वो उस मामले में गवाह के रूप में बुलाए जाने से बचना चाहता था जिसमें वो दोनों पक्षों को जानता था मैंने सुनने के लिए तैयार किया और फिर ना कहने के लिए मिस्टर विलियमसन बहुत खुशमिजाज थे वो एक परफेक्ट जेंटलमैन व्यक्ति थे पॉलिश्ड मैनर्स और एक दयालु मुस्कान के साथ मैं देख सकता था कि उसने आसानी से दोस्त बना लिए और उन्हें रख लिया क्यों नहीं वो हेल्दी था और इसलिए मजा किया स्वभाव का था उसके पास पैसे के ढेर थे और इसलिए उसे घिनौने इरादों का संदेह नहीं हो सकता था इन बातों ने उनकी एजुकेशन और सोशल ट्रेनिंग के साथ उनके लिए न केवल पोलाइट बल्कि फ्रेंडली और न केवल फ्रेंडली बल्कि हेल्पफुल होना आसान बना दिया मैंने कुछ नहीं कहा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था और इसके अलावा मैं किसी भी बात को करने से पहले हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी तरह से कहने देता था किसी ने मुझे बताया कि नेशनल सिटी बैंक के प्रेसिडेंट लेट जेम्स स्टिलमैन जो वैसे विलियमसन के एक क्लोज मित्र थे ने मौन में एक इमोशनलेस चेहरे के साथ जो कोई भी उनके लिए एक प्रस्ताव लाया था उसे सुनना अपना प्रैक्टिस बना लिया आदमी के मिस्टर स्टिलमैन के पास जाने के बाद भी उसकी ओर देखता रहा जैसे कि वो आदमी समाप्त नहीं हुआ था तो उस आदमी ने कुछ और कहने का आग्रह महसूस करते हुए ऐसा किया स्टिलमैन को देखने और सुनने से ही अक्सर उस व्यक्ति की पेशकश की शर्तें बैंक के लिए अधिक फ़ायदेमंद हो जाती थीं जब वो बोलना शुरू करता था मैं सिर्फ़ लोगों को बेहतर सौदेबाज़ी करने के लिए प्रेरित करने के लिए चुप नहीं रहता बल्कि इसलिए कि मैं मामले के सभी फ़ैक्ट्स को जानना चाहता हूँ किसी व्यक्ति को अपनी बात पूरी तरह कहने देने से आप तुरंत निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं यह एक महान समय बचाने वाला है यह बहस और लंबी चर्चाओं को टाल देता है जो कहीं नहीं मिलती हैं। मेरे पास लाए गए लगभग हर बिजनेस प्रस्ताव को मेरे हाँ या ना कहने से जहाँ तक इसमें मेरी भागीदारी का संबंध है निपटाया जा सकता है लेकिन मैं तब तक हाँ या ना नहीं कह सकता जब तक कि मेरे सामने पूरा प्रस्ताव न हो डैन विलियमसन ने बात की और मैंने सुनने की उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शेयर बाजार में मेरे ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है और उन्हें इस बात का पछतावा है कि मैं अपनी बेलीविक से बाहर गया था और कॉटन में एक क्रॉप आया था फिर भी यह मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे साथ उस इंटरव्यू का आनंद उन्होंने लिया उसने सोचा कि मेरी खूबी शेयर बाजार है कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ और मुझे इससे नहीं भटकना चाहिए और यही कारण है मिस्टर लिविंगस्टन उन्होंने रूप से कंक्लूशन निकाला हम आपके साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हैं बिजनेस कैसे करें मैंने उससे पूछा अपने ब्रोकर बनो उन्होंने कहा मेरी फर्म आपका स्टॉक बिजनेस करना चाहेगी मैं इसे आपको देना चाहूंगा मैंने कहा लेकिन मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं उसने पूछा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने जवाब दिया वो हिस्सा ठीक है उन्होंने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा मैं इसे सजा दूंगा उसने एक पॉकेट चेकबुक निकाल ली मेरे आदेश के लिए पच्चीस हजार डॉलर का चेक लिखा और मुझे दे दिया यह किस लिए है मैंने पूछ लिया आपके लिए अपने बैंक में जमा करने के लिए आप अपने स्वयं के चेक निकालेंगे मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑफिस में अपना ट्रेडिंग करें मुझे परवाह नहीं है कि आप जीतते हैं या हारते हैं अगर वो पैसा जाता है तो एक आपको एक और पर्सनल चेक देगा तो आपको इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत नहीं है समझे मैं जानता था कि फम इतनी रिच एंड प्रॉस्परस थी कि किसी के बिजनेस की आवश्यकता नहीं थी एक साथी को मार्जिन के रूप में पैसा देने के लिए बहुत कम और फिर वो इसके बारे में बहुत अच्छा था मुझे घर के साथ क्रेडिट देने के बजाय उसने मुझे एक्चुअल कैश दिया ताकि वो अकेले ही जान सके कि यह कहां से आया है एकमात्र शर्त यह है कि अगर मैं ट्रेडिट करता हूं तो मुझे उसकी फर्म के माध्यम से ऐसा करना चाहिए और फिर वादा किया कि अगर ऐसा हुआ तो और भी बहुत कुछ होगा फिर भी कोई कारण होना चाहिए क्या विचार है मैंने उससे पूछा विचार बस इतना है कि हम इस ऑफिस में एक ग्राहक रखना चाहते हैं जो एक बड़े एक्टिव ट्रेडर के रूप में जाना जाता है हर कोई जानता है कि आप छोटी तरफ एक बड़ी लाइन स्विंग करते हैं जो मुझे विशेष रूप से आपके बारे में पसंद है आपके रूप में जाना जाता है एक सवार मैं अभी भी नहीं समझा मैंने कहा मैं आपके साथ स्पष्ट रहूंगा मिस्टर लिविंगस्टन हमारे पास दो या तीन बहुत अमीर ग्राहक हैं जो बड़े पैमाने पर स्टॉक खरीदते और बेचते हैं मैं नहीं चाहता कि स्ट्रीट को हर बार दस बेचने पर लंबे स्टॉक बेचने का संदेह हो या किसी भी स्टॉक के बीस हजार शेयर अगर स्ट्रीट को पता है कि आप हमारे ऑफिस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे पता नहीं चलेगा कि यह आपकी शॉर्ट सेलिंग है या अन्य ग्राहकों का लंबा स्टॉक जो बाजार में आ रहा है मैं एक ही बार में समझ गया वो एक सवार के रूप में, में मेरी रेप्यूटेशन के साथ अपने ब्रदर इन लॉ के ऑपरेशन को कवर करना चाहता था ऐसा हुआ कि मैंने बै पर अपनी सबसे बड़ी हत्या कर दी पक्ष की यादें और निश्चित रूप से स्ट्रीट गपशप और बेवकूफ़ अफवाह फैलाने वालों ने मुझे दोष देने की आदत हासिल कर ली थी कीमतों में हर गिरावट आज तक जब बाजार बहुत कमजोर होता है तो वे कहते हैं कि मैं छापा मार रहा हूँ मुझे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं थी मैंने एक नज़र में देखा कि डैन विलियम्सन मुझे वापस आने और जल्दी वापस आने का मौका दे रहे थे मैंने चेक लिया उसे बैंक किया उसकी फर्म के साथ एक अकाउंट खोला और ट्रेडिंग करना शुरू किया यह एक अच्छा एक्टिव मार्केट था इतना चौड़ा कि एक आदमी को एक या दो स्पेशलिटीज से चिपके नहीं रहना पड़ता मुझे डर लगने लगा था जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने सही से मारने की क्षमता खो दी है लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने नहीं किया था डैन विलियमसन ने मुझे जो पच्चीस हजार उधार दिए थे उसमें से तीन सप्ताह के समय में मैंने एक लाख बारह हज़ार डॉलर का लाभ कमाया था मैं उसके पास गया और कहा मैं तुम्हें वो पच्चीस हजार डॉलर वापस करने आया हूँ नहीं नहीं उसने कहा और मुझे ठीक वैसे ही लहराया जैसे मैंने उसे अरंडी के तेल का कॉकटेल पेश किया हो नहीं, नहीं मेरे लड़के तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपके अकाउंट में कुछ न हो जाए इसके बारे में अभी तक मत सोचो आपको वहाँ केवल चिकन चारा मिला है वहाँ है जहाँ मैंने गलती की है कि मुझे अपने वॉल स्ट्रीट करियर में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक खेद है यह लंबे और नीरस वर्षों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार था मुझे उसके पैसे लेने पर जोर देना चाहिए था मैं जितना खो गया था उससे कहीं अधिक बड़े भाग्य के रास्ते पर था और बहुत तेजी से चल रहा था तीन सप्ताह के लिए मेरा एवरेज लाभ प्रति सप्ताह 150 प्रतिशत था तब से मेरा ट्रेडिंग लगातार बढ़ते पैमाने पर होगा लेकिन अपने आप को सभी ऑब्लिगेशन से मुक्त करने के बजाय मैंने उसे अपने तरीके से जाने दिया और उसे पच्चीस हज़ार डॉलर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया निसंदेह क्योंकि उसने मेरे द्वारा दिए गए पच्चीस हज़ार डॉलर नहीं निकाले थे इसलिए मुझे लगा कि मैं अपना लाभ बहुत अच्छी तरह से नहीं निकाल सकता मैं उनका बहुत आभारी था लेकिन मैं इतना कॉन्स्टिट्यूटेड हूँ कि मुझे पैसे या एहसान देना पसंद नहीं है मैं पैसे के साथ पैसे वापस कर सकता हूँ लेकिन मुझे जो एहसान और दयालुता का भुगतान करना चाहिए वो है और आप इन मॉरल ऑब्लिगेशंस को कई बार उच्च कीमत पर पा सकते हैं इसके अलावा सीमाओं का कोई कानून नहीं है मैंने पैसे को बिना किसी बाधा के छोड़ दिया और अपना ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दिया मैं बहुत अच्छे से चल रहा था मैं अपनी स्थिति में सुधार कर रहा था और मुझे यकीन था कि मुझे अपनी 1907 की प्रोग्रेस में वापस आने में बहुत समय नहीं लगेगा एक बार जब मैंने ऐसा कर लिया तो मैं बस इतना चाहता था कि बाजार थोड़ी देर के लिए रुक जाए और मैं अपने नुकसान से ज्यादा कुछ कर सकूं। लेकिन पैसा कमाना या न करना मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था जिस चीज़ ने मुझे खुश किया वो यह थी कि मैं गलत होने की खुद के न होने की आदत खो रहा था इसने मेरे साथ महीनों तक कहर बरपाया था लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया था बस उस समय के बारे में मैं बैर बन गया और मैंने कई रेल रोड स्टॉक कम बेचना शुरू कर दिया उनमें से जेसा पीक और अटलांटिक थे मुझे लगता है कि मैंने इसमें एक छोटी लाइन डाली है लगभग आठ हजार शेयर एक सुबह जब मैं डाउनटाउन आया तो बाजार खुलने से पहले डैन विलियम्सन ने मुझे अपने निजी ऑफिस में बुलाया और मुझसे कहा लैरी चेसा पीक और अटलांटिक में अभी कुछ मत करो यह तुम्हारा एक बुरा नाटक था आठ हजार कम बेचकर मैंने आज सुबह लंदन में इसे आपके लिए कवर किया और लॉन्ग चला गया मुझे यकीन था कि चेसा पीक और अटलांटिक नीचे जा रहे थे टेप ने मुझे काफी स्पष्ट रूप से बताया और इसके अलावा मैं पूरे बाजार में बैरिश की स्थिति में था हिंसक या पागलपन की हद तक बैरिश नहीं बल्कि एक मध्यम शॉर्ट लाइन के साथ सहज महसूस करने के लिए पर्याप्त था मैंने विलियमसन से कहा आपने ऐसा किस लिए किया मैं पूरे बाजार में बैरिश का हूं और वे सभी नीचे जा रहे हैं लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कहा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे चेसा पीक और अटलांटिक के बारे में कुछ ऐसा पता है जिसे आप नहीं जान सकते मेरी आपको सलाह है कि जब तक मैं आपको यह न बता दूं कि ऐसा करना सुरक्षित है तब तक आप उस स्टॉक को कम न बेचें मैं क्या कर सकता था वो एक असिन टिप नहीं था यह सलाह थी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के ब्रदर इन लॉ से आई थी डैन न केवल एल्विन मार्कवान का सबसे करीबी दोस्त था बल्कि वो मेरे प्रति दयालु और उदार था उसने मुझ पर अपना विश्वास और मेरे वचन में विश्वास दिखाया था मैं उसे धन्यवाद देने से कम नहीं कर सकता था और इसलिए मेरी भावनाओं ने फिर से मेरे फैसले पर जीत हासिल की और मैंने हार मान ली अपने फैसले को उसकी इच्छाओं के अधीन करना मेरे लिए अंडू था आभार एक ऐसी चीज है जिसे एक सभ्य व्यक्ति महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है लेकिन यह एक साथी के लिए है कि वो उसे पूरी तरह से बांधे रखे पहली बात जो मुझे पता थी कि मैंने न केवल अपना सारा लाभ खो दिया है बल्कि मेरे ऊपर फर्म का एक लाख पचास हजार डॉलर का बकाया है मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लगा लेकिन डैन ने मुझे चिंता न करने के लिए कहा मैं तुम्हें इस छेद से निकाल दूंगा उसने वादा किया मुझे पता है कि मैं करूंगा, लेकिन मैं इसे तभी कर सकता हूं जब आप मुझे अनुमति दें। आपको अपने हुक पर बिजनेस करना बंद करना होगा मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता और फिर क्या आपने अपनी ओर से मेरे सारे काम को पूरी तरह से अंडू कर दिया है बस तुम बाज़ार छोड़ दो और मुझे अपने लिए कुछ पैसे कमाने का मौका दो क्या तुम नहीं लैरी मैं फिर आपसे पूछता हूँ मैं क्या कर सकता था मैंने उनकी दयालुता के बारे में सोचा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जिसे प्रशंसा की कमी के रूप में समझा जा सके मैं उसे पसंद करने लगा था वो बहुत ही प्लेजेंट एंड फ्रेंडली था मुझे याद है कि मुझे उनसे जो कुछ मिला वो था एनकरेजमेंट वो मुझे आश्वासन देता रहा कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन शायद छह महीने बाद वो एक प्रसन्न मुस्कान के साथ मेरे पास आया और मुझे कुछ क्रेडिट स्लिप्स दी मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें उस छेद से बाहर निकालूंगा उसने कहा और मेरे पास है और फिर मुझे पता चला कि उसने न केवल पूरी तरह से कर्ज का सफाया कर दिया था बल्कि मेरे पास एक छोटा सा क्रेडिट बैलेंस भी था मुझे लगता है कि मैं इसे बिना किसी परेशानी के चला सकता था क्योंकि बाजार सही था लेकिन उसने मुझसे कहा मैंने आपको साउथ अटलांटिक के दस हजार शेयर खरीदे हैं वो एक और सड़क थी जिसे उनके बहनोई एल्विन ने नियंत्रित किया था जिन्होंने स्टॉक के बाजार भाग्य पर भी रूल किया था जब कोई आदमी आपके लिए वही करता है जो डैन विलियमसन ने मेरे लिए किया तो आप धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं कह सकते चाहे आपके बाजार के विचार कुछ भी हो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप सही हैं लेकिन जैसा कि पैट हन कहा करते थे जब तक आप शर्त नहीं लगाते तब तक आप नहीं बता सकते और डैन विलियमसन ने अपने पैसे से मेरे लिए शर्त लगाई थी खैर सदन अटलांटिक नीचे चला गया और नीचे रुक गया और मैं हार गया मैं भूल गया कि डैन ने मुझे बेचने से पहले मेरे दस हजार शेयरों पर कितना खर्च किया मैं उस पर पहले से कहीं अधिक बकाया था लेकिन आपने अपने जीवन में कभी भी एक अच्छा या कम महत्वपूर्ण लेनदार नहीं देखा उससे कभी फुसफुसाते नहीं इसके बजाय इसके बारे में चिंता न करने के लिए शब्दों और नसीहतों को एनकरेज करना अंत में मेरे लिए उसी दानी लेकिन रहस्यमय तरीके से नुकसान की भरपाई की गई उन्होंने कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया वे सभी नंबर अकाउंट्स थे डैन विलियमसन सिर्फ मुझसे कहेंगे हमने इस अन्य सौदे पर मुनाफे के साथ आपके सदन अटलांटिक नुकसान की भरपाई की और वो मुझे बताएंगे कि कैसे उन्होंने किसी अन्य स्टॉक के पचहत्तर सौ शेयर बेचे और एक अच्छी चीज़ बनाई है मैं सच कह सकता हूँ कि मुझे अपने उन ट्रेड्स के बारे में कभी भी एक धन्य बात नहीं पता थी जब तक कि मुझे यह नहीं बताया गया कि एंडेटेडनेस का सफ़ाया हो गया था उसके बाद कई बार ऐसा हुआ मैं सोचने लगा और मुझे अपने मामले को एक अलग कोण से देखने का मौका मिला अंत में मैं लुढ़क गया यह स्पष्ट था कि मुझे डैन विलियमसन द्वारा इस्तेमाल किया गया था यह सोचकर मुझे गुस्सा आ गया लेकिन फिर भी इस बात से नाराज था कि मैं इससे जल्दी नहीं टकराया था जैसे ही मैं अपने दिमाग में पूरी बात चला गया मैं डैन विलियम्सन के पास गया उनसे कहा कि मैं फर्म के साथ था और मैंने विलियमसन एंड ब्राउन का ऑफिस छोड़ दिया मेरी उनसे या उनके किसी साथी से कोई बात नहीं हुई इससे मेरा क्या भला होता लेकिन मैं स्वीकार करूंगा कि मैं विलियमसन एंड ब्राउन की तरह खुद पर भी उतना ही तंग था पैसे की कमी ने मुझे परेशान नहीं किया जब भी मैंने शेयर बाज़ार में पैसा गंवाया है तो मैंने हमेशा माना है कि मैंने कुछ सीखा है कि अगर मैंने पैसा खो दिया है तो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है ताकि पैसा वास्तव में एक ट्यूशन फी के लिए चला गया एक आदमी के पास अनुभव होना चाहिए और उसे इसके लिए भुगतान करना होगा लेकिन कुछ ऐसा था जिसने डैन विलियम्सन के ऑफिस में मेरे उस अनुभव को बहुत हर्ट किया और वो एक महान अवसर का नुकसान था एक आदमी जो पैसा खोता है वो कुछ भी नहीं है वो इसे बना सकता है लेकिन मेरे जैसे अवसर तब रोज नहीं आते थे बाजार आप देखते हैं एक अच्छा ट्रेडिंग बाज़ार था मैं सही था मेरा मतलब है मैं इसे सही ढंग से पढ़ रहा था लाखों बनाने का अवसर था लेकिन मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड को अपने खेल में इंटरफेयर करने दिया मैंने अपने हाथ बांध लिए मुझे वो करना था जो डैन विलियम्सन ने अपनी दया से किया था कुल मिलाकर यह किसी रिश्तेदार के साथ बिजनेस करने से ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था बुरा बिजनेस और वो इसके बारे में सबसे बुरी बात नहीं थी ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरे लिए बड़ी कमाई करने का प्रैक्टिकली रूप से कोई अवसर नहीं था बाजार चपटा हो गया चीज़ें बद से बदतर होती चली गईं। मैंने न केवल अपना सब कुछ खो दिया बल्कि पहले से कहीं अधिक भारी कर्ज में डूब गया वे लंबे समय तक दुबले पतले वर्ष थे 1911, 1912, 1913 और 1914। बनाने के लिए कोई पैसा नहीं था अवसर बस नहीं था और इसलिए मैं पहले से कहीं ज्यादा खराब था जब नुकसान के साथ हो सकता है कि एक मार्मिक तीखा विजन न हो तो हारना असहज नहीं होता ठीक यही वो था जिस पर मैं अपने दिमाग को टेकने से नहीं रोक सका और निश्चित रूप से इसने मुझे और भी परेशान कर दिया मैंने सीखा है कि एक सट्टेबाज जिन कमज़ोरियों से ग्रस्त है वे लगभग अंगिनत हैं एक आदमी के रूप में मेरे लिए यह उचित था कि मैं डैन विलियम्सन के ऑफिस में जिस तरह से काम करता था लेकिन एक सट्टेबाज के रूप में मेरे लिए यह इम्प्रॉपर और ना समझी थी कि मैं अपने फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी भी विचार से प्रभावित होने की अनुमति दूं। अब्लाइज करते हैं लेकिन शेयर बाजार में नहीं क्योंकि टेप शिष्ट नहीं है और इसके अलावा वफादारी को पुरस्कृत नहीं करता है मुझे एहसास हुआ कि मैं अलग तरह से अभिनय नहीं कर सकता था मैं खुद को सिर्फ इसलिए खत्म नहीं कर सका क्योंकि मैं शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहता था लेकिन बिजनेस हमेशा बिजनेस होता है और एक सत्तेबाज के रूप में मेरा बिजनेस हमेशा अपने निर्णय का समर्थन करना है यह बहुत ही क्यूरियस अनुभव था मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि हुआ जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो डैन विलियमसन ने मुझे जो बताया उसमें पूरी तरह से ईमानदार थे हर बार जब उनकी फर्म ने किसी एक स्टॉक में कुछ हजार शेयर किए तो स्ट्रीट इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि एल्विन माकवान खरीद या बेच रहा था वो ऑफिस का बड़ा ट्रेडर था निश्चित रूप से और उसने इस फर्म को अपना सारा बिजनेस दे दिया और वो वॉल स्ट्रीट में अब तक के सबसे अच्छे और सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक थे खैर मुझे स्मोक स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था खासकर माकवान की बिक्री के लिए मेरे अंदर जाने के कुछ ही समय बाद एल्विन माकवान बीमार पड़ गए उनकी बीमारी का जल्द ही लाइलाज के रूप में डायग्नोसिस किया गया था और निश्चित रूप से डैन विलियमसन को माकवान के खुद के होने से बहुत पहले से पता था इसलिए डैन ने मेरे चेसा पीक और अटलांटिक स्टॉक को कवर किया उसने अपने बहनोई की कुछ सट्टा होल्डिंग्स और अन्य शेयरों को समाप्त करना शुरू कर दिया था बेशक जब मकवान की मृत्यु हुई तो संपत्ति को अपनी सट्टा और अर्थ सट्टा लाइनों को समाप्त करना पड़ा और उस समय तक हम एक बैर बाजार में चले गए थे जिस तरह से उसने मुझे बांधा उससे डैन संपत्ति की पूरी मदद कर रहा था जब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत भारी ट्रेडर हूँ और शेयर बाजार के बारे में मेरे विचार सही हैं तो मैं घमंड से नहीं बोलता मुझे पता है कि विलियम्सन को 1907 के बैर बाज़ार में मेरे सफल ऑपरेशन याद थे और वो बड़े पैमाने पर मेरे होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे क्यों अगर मैं अपने रास्ते पर चलता रहता तो मैं इतना पैसा कमा लेता कि जब तक वो एल्विन माकवान की संपत्ति के हिस्से को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता तब तक मैं सैकड़ों हजारों शेयरों में ट्रेडिंग कर रहा होता एक सक्रिय बैग के रूप में मैंने मार्केन के उत्तराधिकारियों को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया होगा क्योंकि एल्विन ने कुछ सौ मिलियन से थोड़ा ही अधिक छोड़ा है उनके लिए यह बहुत सस्ता था कि मुझे कर्ज में डूबने दिया जाए और फिर कर्ज चुका दिया जाए बजाय इसके कि मुझे किसी अन्य ऑफिस में बैग की तरफ से एक्टिवली रूप से ऑपरेटिंग किया जाए ठीक यही एक कर रहा होगा लेकिन मेरी भावना के लिए कि मुझे डैन विलियमसन द्वारा शालीनता से आगे नहीं बढ़ना चाहिए मैंने हमेशा इसे स्टॉक ऑपरेटर के रूप में अपने सभी अनुभवों में सबसे दिलचस्प और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना है एक सबक के रूप में इसने मुझे एक बहुत उच्च कीमत दी इसने मेरे ठीक होने के समय को कई वर्षों तक टाल दिया मैं इतना छोटा था कि लाखों भटके हुए लोगों के वापस आने के लिए पेशेंटली वेट कर सकता था लेकिन एक आदमी के गरीब होने के लिए पांच साल का लंबा समय होता है जवान हो या बूढ़ा इसका लुत्फ नहीं उठाना चाहिए मैं बिना किसी बाजार के वापस आने के लिए योत्स के बिना बहुत आसान काम कर सकता था जीवन भर का सबसे बड़ा अवसर मेरी नाक के सामने उस बस को पकड़ना था जिसे मैंने खो दिया था मैं अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका और इसके लिए नहीं पहुंचा। एक बहुत ही चतुर लड़का वो डैन विलियमसन जैसे ही वे उन्हें बनाते हैं दूरदर्शी सरल साहसी वो एक विचारक है कल्पना है किसी भी आदमी में कमजोर जगह का पता लगाता है और उसे मारने के लिए ठंडे खून की योजना बना सकता है उसने अपना खुद का आकार बढ़ाया और जल्द ही मुझे यह बता दिया कि मुझे बाजार में पूरी तरह से निष्क्रियता को कम करने के लिए मुझे क्या करना है उसने वास्तव में मुझे किसी पैसे से नहीं किया इसके विपरीत वो सभी दिखावे में इसके बारे में बहुत अच्छा था वो अपनी बहन श्रीमती मार्किन से प्यार करता था और जैसा उसने देखा उसने उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाया